ब्लॉगर केपी सिंह को, ब्लॉगर केपी सिंह को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाय। दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है कि मैं अपने सफर पर रहता हूं, तो चलते हैं अपने सफर पर। दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। जैसा आप सबको मालूम है कि मैं अपने सफर पर रहता हूं, और सफर के दौरान मैं आज आया था टीपू के पास में। जब मैं टीपू के पास आया तो मैंने कुछ अलग चीजें देखी। तो दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं अपने सफर पर रहता हूँ, और सफर के दौरान मैंने देखा कि भाई टीपू की दुकान के यहाँ पर भाई एक ये कुछ बेच रहा था। तो ये क्या चीज है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या है। ये है ना, ये क्या क्या नजर आ रही है, देखिए दिखाइए एक बार, ये देखते हैं क्या चीज है ये। और ये भाई है ये बेच रहा है, तो इससे बात करेंगे हम लोग कि ये क्या चीज है। क्या नाम भाई? हंसराज। हंसराज है भाई, और ये क्या चीज है? ये जौ की धाणी है। जौ की धाणी? हाँ। तो इसका क्या काम आती है? ये पीस के सत्तू बना के पीने का काम किया। अच्छा, पीने का काम आती है। तो इससे क्या फायदा है? ठंड होती है इससे, इससे ठंड मिलती है, पेट में ठंडक हो जाती है। हाँ। तो ये तो आप कोई बेचता ही नहीं है? हम तो बेचते हैं, कोई नहीं बेचते। तो अच्छा क्या भाव बेच रहे हो? 100 की सवा किलो। 100 की सवा किलो। हाँ। तो ये आप दिन भर में कितनी बेच देते हो? दिन भर में 35 किलो धाणी, 60 किलो घोंगड़ा। 35 किलो तो धाणी बेच देते हो, 60 किलो घोंगड़ा काटकर वो करेंगे। तो दोस्तों घोंगड़े का मतलब है चने, दिखाना एक बार चने। इन्हों का कहना ये है किस तरह के होते हैं, ये देखिए, ये होते हैं भूंगड़े। इनकी भाषा में बोला जाता है भूंगड़ा। क्यों? हाँ। भूंगड़े है ना। हाँ। तो इस कौन सी भाषा में बोला जाता है भूंगड़ा? ये हिंदी भाषा में बोला जाता है साहब भूंगड़ा, ऐसे चने कहते हैं इसे। अच्छा। हाँ। ऐसे चने कहते हैं। हाँ। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये जो चीजें, ये अलग चीजें हैं, क्योंकि आज के जमाने में ये खत्म हो चुकी है। अगर आज नई जनरेशन को पूछे हम लोग, नई जनरेशन से पूछेंगे ये क्या चीज है, तो कोई नहीं बता पाएगा। और ये क्या गेहूं की बनती है क्या? जौकी। जोकी? ये जोकी देखो, जब मुझे भी नहीं मालूम इतने बड़े आदमी को, तो बच्चों को कैसे मालूम होगा। मैं सोचा था गेहूं की बनती होगी, यानी कि जो जो पैदा होता है क्या अभी भी? हाँ, होता है। हाँ, कहाँ पर? ये जयपुर साइड में। जयपुर साइड में जो आज भी पैदा होता है, और उसी की वजह से ये बनती है। और यूँ कहते हैं कि जो की रोटी, रोटी पहले बनाया करते थे, अब तो नहीं बनाया करते। पहले बनती थी जो की, अब नहीं बनती। तो सोचने वाली बात है कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ मिलेगी, ये एक तरह से कहते हैं गायब होती जा रही है। जैसे कुछ पक्षी गायब होते जा रहे हैं, कुछ वन्य जीव गायब होते जा रहे हैं, ऐसे ये भी है ना। और गर्मियों में खाना चाहिए, फायदेमंद है। क्या फायदा होता है? फायदा ये कि जो ठंड करता पेट भी साफ करता। हाँ, पेट साफ करता। हाँ, अगर इसको आप सवेरे को 50 ग्राम खा लो दो 5-10 दिन, तो कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। जैसे जैसे गर्मी कोई शिकायत है, पेट में कब्ज है, वो इस बीमारी को दूर करता है, खून को बढ़ाता है। हाँ, और जो तो वैसे ही फायदेमंद है, जो जो है शुरू से मोटे अनाज माता है, जो चना गेहूं तीनों की रोटी खाओ उसका मुकाबले नहीं। लेकिन आजकल तो मिल रही नहीं, अब तो गायब होती जा रही। अब मिलने क्या, हमारे जो नई पीढ़ी है ये जो है, इन्होंने तो वो मॉडर्न उस पर आ गई, नहीं तो पुरानी पीढ़ी तो वो ही पसंद करती थी, उसका स्वाद ही अलग है। लेकिन अब तो ये मिलती भी नहीं है ना। मिलती क्या भाई, पैदावार अपन करते नहीं ना। जो पुराने लोग वो थोड़ा बहुत बीघा दो बीघा बो लेते हैं, वरना तो नए तो ज्यादा सोचते ज्यादा फसल उगाई जाए। और हालांकि ये भी पैदा करो तो अच्छा पानी, जैसे गेहूं की तरह उसमें करो तो ये भी पूरी पैदावार देता है। और आज की तारीख में तो चना और गेहूं और ये जौ बराबर ही भाव हो गया करीब। और चना तो सरसों से भी महंगा है, 60 रुपए तो अमूमन भाव हो गए चने का। तो चना लोग कम बोते हैं, लेकिन अब दाने के लिए क्या कहना चाहोगे? दाने के लिए तो ये है कि ये इसका सत्तू बना सकते हो। सत्तू बना लो पीस के गट्टी में, और इसको सवेरे को थोड़ा सा गुड़ घोल लो और वैसा पी जाओ, तो 1-2 घंटे आपके नाश्ता वो निकल जाएगा और पेट खराब नहीं रहेगा, हल्का भोजन है। कि मैं अपने सफर पर रहता हूँ, और सफर के दौरान अभी बज रहे शाम के 7, और मैं संजय जी की दुकान पर आया हूँ, और संजय जी की दुकान बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत तेज है, और टेम्परेचर की बात करें तो शाम के 7 बजे भी 41 टेम्परेचर हो रहा है। आप सोच के देखिए कि 41 जो टेम्परेचर, उसमें हम लोगों को पसीना आ रही है, देखिए मेरे ही पसीना आ रहे हैं, और हालात बहुत ज्यादा खराब है। और मेरे साथ में शुभम भी है, और शुभम मेरे को मिल गया था रणथंभौर रोड पर, तो बोला यार संजय जी की दुकान पर चलते हैं। तो संजय जी के यहाँ तो संजय जी नहीं मिले, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से उन्होंने आज अपना बूथ नहीं खोला। दोस्तों आज केपी जी से अचानक रस्ते में मुलाकात हो गई, 2 दिन हो गए हम केपी जी से मुलाकात कर रहे हैं, ना तो हमने किसी प्रकार का डॉग बनाया, न
नहीं कोई शरारत करी, नहीं कोई इधर उधर घूमने गए। यहाँ मौका मिला, मिले दोनों रास्ते में, सोचा मैं चलो संजय जी की दुकान पे चलते हैं, लेकिन आगे देखा तो संजय जी दुकान ही बंद है। फिर हमने संजय जी से बात करी तो वो किसी कारण नहीं आ पाए, और कुछ गर्मी की वजह से भी वो लेट हो गए, उन्होंने आराम करने लगे। गर्मी का प्रभाव आप देख रहे हैं, हमारे पसीने देख लिए, इतना हाई टेम्परेचर है, शाम के 7 बजे भी तेज गर्मी में पसीना आ रहा है। तो दोस्तों गर्मी से बचें, ठंडे कपड़े पहने, अपने आप को कवर रखें और तेज गर्मी में बाहर ना निकले, अपने स्वास्थ्य की तो क्या बोलेंगे? देव कर्म की और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए दोस्तों जय हो। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।